आज की विषय है दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया है कि स्वयंभुव मनु मन्वंतर में देवता असुर मनुष्य सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसी हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की भी मेरा इच्छा है। सुत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन बरही के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। प्रिय परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पाने के लिए बनाया है। संसार में पांखों से उड़ने वाले प्राणियों के भोजन फल पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के घास तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले और दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन हैं। चार पैर वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। हे निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डाले, यह कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुओं की और ज्ञानी अज्ञानों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसीलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझे। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपकी भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन उन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझा कर उन्हें प्रमलोचा
अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहाँ से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। उन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की वो मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल थल और आकाश में रहने वाले देवता असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की। जब उन्होंने देखा कि वो सृष्टि बढ़ नहीं रही है तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं वावहरन् परम् उपस्पृश्यानुशवनं तपसातोऽसयद् हरिम्। हस्तोऽसीदं सगुहेन भगवन्तमधोक्यजम् तुभ्यं तदविधास्यामि कस्यातु सद्यतो हरिम्। प्रजापतिरुवाच, नमः पराया विदथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बन्धवे अदृष्ट धाम्ने गुण तत्व बुद्धि निवृत्तमानाय दधे स्वयं भुवि। न यस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्युः सखा वसन् संवसतः पुरेऽस्मिन् गुणो तथा गुणिनो व्यक्त दृष्टेस्तस्मै महेशाय नमस्करोमि। देहो सवोक्षा मनवो भूतमात्रा नात्वान मन्यं च विदुः परं यत्म सर्वं पुमान वेद गुणांश तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। तत्र अगमर्षणं नाम परं पापहरं अनुशवनं उपस्पृश्य तपसा हरिं अतोषयत् हंस गुह्येन अधोक्षजं भगवन्तं अस्तोषित यतः हरि कस्य अतुष्यत् तत् तुभ्यं अभिदास्यामि। अभी तथा अनुभूतये पुराण गुणत्रयाभास निमित्त बन्धवे गुण तत्व बुद्धिभिः अदृष्ट धाम्ने निवृत्तमानाय स्वयंभुवे नमः दधे। अस्मिन् पुरे वसन् सखा पुरुषः संवसतः व्यक्त दृष्टेः यस्य सख्युः सख्यं न अवैति गुणिनः गुणः तस्मै महिषाय नमस्करोमि। देहः पशवः अक्षा मनवः भूतमात्रः आत्मानं च अन्यं यत् परं न विदुः पुमान् सत्यं च गुणान् वेद तज्ञः सर्वज्ञं न वेद अनन्तम् ईहे। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वो सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंसगुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की थी, उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान आपकी अनुभूति आपकी चित शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमय सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परत्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं।
हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतकरण की वृत्तियाँ, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सबको और इनके कारण सत, रज और तम, इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा के रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसीलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। यदुपरामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति प्रमोसात ये केवल या स्व संस्थया हंसाय तस्मै शुचिसात्मने नमः। मनीषिणोऽन्तर्हृदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिपृथ्वीः बह्निं जता दारुणि पांचदस्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढं शवै ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूतिः सर्वनामा सच विश्वरूपः प्रसीदताम निरुक्तात्मशक्ति जद्यन् निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाख्यभिर्वा मनसा वो तजस्य मा भूत स्वरूपं गुणरूपहि तत्तत् शवै गुणापाय विसर्गलक्षणः यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परम प्राक् प्रसिद्धं तद् ब्रह्म तद् हेतुरनन्यदेकम्। यदा नाम रूप रूपस्य मनसः दृष्ट स्मृति संप्रमोषात् उपराम यः केवलया स्वसंस्थया ईयते तस्मै सुतिसद्मने हंसाय नमः। मनीषिणः अन्तर्हृदि सन्निवेशितं त्रिवृद्धिः नवभिः स्वशक्तिभिः गूढं यथा दारुणि पांचदस्यं बन्धिं निष्कर्षन्ति अशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूते वै सः सर्वनामा च सः अनिरुक्तत्व शक्तिः विश्वरूपः मम प्रसीदताम् यत् यत् वचसा निरुक्तम् अक्षभिः वा मनसा वा उत धिया निरूपितम् तत् तत् गुणरूपं यस्य स्वरूपं मा भूत् हि सः वै गुणापाय विसर्ग लक्षणः यः यत् येन यस्मै यतः यस्य यस्मिन् यथा कुरुते च कार्यते तत् परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्हेतुः अनन्यत् एकं ब्रह्म। जब समाधि काल में प्रमाण विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। हे प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे जागृत लोग काष्ट में छिपे हुए अग्नि को सामिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती हैं, ये सब माया की है। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही है। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं।
हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। हे भगवान आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और आप में और किसी के सहारे नहीं अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने और बनाने की विधि भी आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे, इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वता रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। जत्सक्तयो वदताम वादिनाम वैर विवाद संवाद भुवो भवन्तीम कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्म मोहम तस्मै नमो नन्त गुणाय भुमनिम अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठ योर एकस्तयोर भिन्न विरुद्ध धर्मयोः अवेक्षितं किंचन जोग सांक्षयोः समं परं यनुकूलं बृहत्तत् यो नो ग्रहार्थं भजतां पादमूल मनाम रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भीर्भेजे समयं परम प्रसीदतु यः प्राकृतिर्ज्ञानपथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभातिं यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम्। श्री शुकोवाच इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणि आवीरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादः सुपर्णांसि प्रलम्बाष्टमहाभुजः चक्रसङ्कासि चर्मेषु धनुः पाशगदाधरः पीतभासा घनश्यामः प्रसन्न वदनिक्षणः वनमालानिवीतङ्गोलसश्रीवत्सकोऽस्तुवः महाकिरीटकटकः स्फुरन् मकरकुण्डलः काञ्चङ्गुलीयवलय नुपुराङ्गदभूषितः त्रैलोक्यमोहनरूपं बिभ्रत त्रिभुवनेश्वरः ब्रूतो नारद नन्दद्यैः पार्षदैः सुरयूथपैः स्तूयमानोऽनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणैः रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्षागतसद्वसः न नाम दण्डवद् भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः। प्रभो आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुण गणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ भगवान। उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पादादि से युक्त साकार विग्रह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त पादादि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार के वे एक ही एक वस्तु के दो परंपरा विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं है और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसीलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम परम ब्रह्म हैं। प्रभो
आप अनंत हैं, आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप, फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेक लीलाएं करते हैं तथा उन उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेक नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्राय साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट आठ भुजाएं थी, उनमें चक्र शंख तलवार ढाल बाण धनुष पास और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था, मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी, घुटनों तक वनमाला लटक रही थी, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी, बहुमूल्य किरीट कंगन मकराकृति कुंडल करधनी अंगूठी कड़े नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य मोहन रूप धारण कर रखा था। नारद नंद सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हो। ब्रह्मा शंकर तुम्हारे जैसे प्रजापति स्वयंभुव आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर ये सब मेरी विभूतियाँ हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्मन, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था, न तो कोई दृष्टा था और न दृश्य, मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो,
तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहले तुमको लेकर 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो यह पंचजन प्रजापति की कन्या अशिकनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्धान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। हरि शरणम। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय श्री कृष्ण।